हनुमान की उगाई दाढ़ी, रावण हो गया फैंसी, राम को हवा में दिया उड़ा, बाहुबली वाले प्रभास की फिल्म में आस्था का सबसे बड़ा मजाक। 450 करोड़ में बनाई ऐसी रामायण जिसे देखते ही लोगों का फूटा गुस्सा, बॉलीवुड की तरह साउथ का पहली बार होगा बॉयकॉट। अयोध्या पहुंची आदि पुरुष की टीम, तभी शुरू हो गया विरोध। राम लक्ष्मण और हनुमान का ऐसा किरदार तो शास्त्रों में भी नहीं है। आज हम बात करेंगे बॉयकॉट हो रही फिल्म आदि पुरुष के बारे में, बताएंगे आपको एक एक करके वो सारे कारण कि क्यों इस फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग की जा रही है, क्यों ट्विटर पर हैशटैग आदि पुरुष बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है। वीडियो को पूरा देखिए, बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। दर्शकों, आप में से ज़्यादातर लोग तो जानते ही होंगे साउथ और बॉलीवुड स्टार प्रभास, एक्टर सैफ अली खान और एक्ट्रेस कृति सैनन की आदि पुरुष मूवी आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। आखिर क्यों ये चर्चा का विषय बनी हुई है, चलिए हम एक एक करके इनके सभी कारणों के बारे में आपको बताते हैं। आखिर क्यों लोग मांग कर रहे हैं कि आदि पुरुष मूवी को बॉयकॉट किया जाए। दर्शकों, इस फिल्म का टीजर आज से करीब एक महीना पहले यानी कि 2 अक्टूबर को ही रिलीज हो चुका है और जब से ही ये टीजर रिलीज हुआ है लोगों में आक्रोश का माहौल है, लोग इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों ने तो इस फिल्म का टीजर देखा ही होगा। हम आपको एक एक करके वो कारण बताते हैं। पहला कारण है सैफ अली खान का किरदार। सैफ अली खान ने जो इस मूवी में रावण का किरदार निभाया है उसे लोगों द्वारा जमकर बॉयकॉट किया जा रहा है, क्योंकि सैफ अली खान के किरदार को किसी राक्षस के किरदार से तुलना की जा रही है। कहा जा रहा है कि असली में जो रावण का किरदार था, जो रामानंद सागर जी की रामायण में दिखाया गया किरदार था, वो आज भी लोगों की स्मृतियों में कायम है। लोग हमेशा, किसी ने भी राम लक्ष्मण सीता रावण को देखा नहीं है, लेकिन जब भी लोग याद करते हैं, अपने मन में श्रद्धा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो वो उन्हीं कैरेक्टर्स को याद करते हैं जो कि रामानंद सागर जी की रामायण में दिखाया गया था। और सैफ अली खान के किरदार को फैंसी रावण कहकर पुकारा जा रहा है। दर्शकों, अब बात करते हैं दूसरे कारण की। दूसरा कारण है हनुमान जी का किरदार। हनुमान जी का किरदार जो निभाया गया है इस मूवी में, उसमें हनुमान जी ने चमड़े के अंगवस्त्र पहने हैं और उनकी दाढ़ी तो है परंतु उनकी मूछें नहीं है, जिसमें कि वो एक मुस्लिम का किरदार निभाते नजर आए हैं। इसीलिए लोगों द्वारा जमकर इसे बॉयकॉट करने की मांग उठी है। तीसरा कारण है एक्टर प्रभास के किरदार को लेकर। फिल्म में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का किरदार एक्ट्रेस प्रभास द्वारा निभाया गया है, जिसमें कि प्रभास चमड़े के जूते पहने नजर आए हैं। इसका विरोध लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रामानंद सागर जी की रामायण में राम ने 14 वर्ष का वनवास नंगे पांव ही पूरा किया था। दर्शकों, चौथा कारण है कृति सैनन का लुक। कृति सैनन के लुक को देखकर लोग जमकर विरोध कर रहे हैं क्योंकि सीता माता की पवित्रता उनकी सादगी में ही देखी गई है, लेकिन आदि पुरुष में सीता माँ के किरदार को फैंसी सीता कहकर पुकारा गया है। पांचवा कारण है राम का इस मूवी में सफ़ेद धोती पहनना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राम जी ने हमेशा से ही भगवा कलर के वस्त्र पहनकर ही अपने 14 वर्ष के वनवास को पूरा किया था, लेकिन इस मूवी में एक्टर प्रभास द्वारा वाइट कलर की धोती में पहनाकर उनको दिखाया गया है। आप में से सभी जानते ही होंगे कि रामायण में राम जी हो या राम के भक्तों की बात की जाए, उन सभी के माथे पे तिलक जरूर लगा हुआ दिखाई दिया, लेकिन इस मूवी में, आदि पुरुष मूवी में, किसी के भी माथे पर तिलक नहीं है। मस्तक पर तिलक लगाना हिंदू धर्म का प्रतीक माना गया है, इसलिए लोग इस मूवी का जमकर विरोध कर रहे हैं क्योंकि इस मूवी में किसी के भी मस्तक पे तिलक नहीं दिखाई दिया। लोगों का यहाँ तक कहना है कि आदि पुरुष मूवी यदि वो रिलीज होती है तो वो थिएटर में जाकर भी उसका विरोध करेंगे, उसके पुतले जलाएंगे, पोस्टर जलाएंगे, जगह जगह जाकर आगजनी करेंगे, अपना विरोध जारी रखेंगे। कुल मिलाकर लोगों का ये कहना है कि इस मूवी को रिलीज ना किया जाए, ये हिंदू धर्म के आस्था के विरुद्ध है। चलिए दर्शकों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।
हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं कि आदि पुरुष मूवी रिलीज होनी चाहिए या नहीं। तो हम मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।